हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड। जीके एजुकॉर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई एएफ कैट वैकेंसीज के बारे में। एएफ कैट मीन्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई है, जिसमें ग्रुप ए की पोस्ट के लिए भर्ती की जाएगी। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम सिलेबस कैसा होगा, एज लिमिट क्या रहेगी, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर चेक किए जाएंगे, इसके अलावा सैलरी और अलाउंसेज आपको बताए जाएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स एफ कैट 2022। तो दोस्तों, पोस्ट का नाम रहेगा इंडियन एयरफोर्स एफ कैट 2/2022। 2/2022 मीन्स इस साल 2022 में एयरफोर्स के द्वारा एफ कैट पोस्ट के लिए निकाली गई है दूसरी भर्ती है, जिसकी पोस्ट डेट थी 19 मई 2022। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पे 250 रुपये फीस चार्ज की जाएगी। एनसीसी कैंडिडेट के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पर 250 रुपये फीस चार्ज की जाएगी, जिसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 1 जून 2022 और क्लोजिंग डेट रहेगी 30 जून 2022, यानी 1 जून से इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, जिसकी लास्ट डेट 30 जून तक रहेगी। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी जुलाई 2023 से ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट चेक की जाएगी 1 जुलाई 2023 को। आप 1 जुलाई 2023 को कितने साल के होते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अलग अलग एज रहेगी। फ्लाइंग ब्रांच यानी फ्लाइंग पायलट के लिए, पायलट के लिए जो मिनिमम एज रहेगी 20 साल और मैक्सिमम एज रहेगी 24 साल, यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में हुआ हो। अगर आपका जन्म इन दोनों डेट्स को भी होता है तब भी आप का सिलेक्शन किया जाएगा। ग्राउंड ड्यूटी की बात कर लेते हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांच के लिए भर्ती की जाएगी। मिनिमम एज रहेगी 20 साल, मैक्सिमम एज रहेगी 26 साल। 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, या फिर आपके पास बी या फिर बी टेक की डिग्री आपके पास है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ 12th लेवल पर आपके मैथ और फिजिक्स में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। पोस्ट का नाम रहेगा एएफ कैट एंट्री, जो कि फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, ये इसकी मेन इन्फॉर्मेशन, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ट्रेनिंग जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगा और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों रहेंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है लगभग 10 साल, यानी 10 साल की सर्विस आप इंडियन एयरफोर्स में कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन भी आपको उसके बाद दिया जा सकता है। इसके बाद बताया गया ब्रांच, कोर्स नंबर और वैकेंसीज के बारे में। एंट्री के साथ ब्रांच दी गई है, साथ के साथ कोर्स नंबर दिया गया है, यानी आप जब भर्ती हो जाते हैं तो आपका कोर्स नंबर क्या रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है। वैकेंसीज अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर वैकेंसीज के बारे में चेक करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट रहेगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको 1 जून 2022 को मिलेगा। तो यहाँ पर एंट्री आप चेक कर सकते हैं, एफ कैट एंट्री, मेट्रोलॉजिकल एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री, दोनों तरह के कमीशन रहेंगे। परमानेंट कमीशन मैन के लिए रहेगा और शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन और वुमन दोनों के लिए होगा। इसकी वेबसाइट दी गई है careerindianairforce.cdac.in या फिर afcat.cdac.in। गूगल पर आप सर्च करिएगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। फिजिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब आपको उस पोस्ट इसके नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। यह इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको 1 जून को अपलोड किया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग जुलाई 2023 से शुरू की जाएगी।
जुलाई के फर्स्ट वीक 2023 में स्टार्ट की जाएगी। ट्रेनिंग रहेगी एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में, टेक्निकल ब्रांच के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए ट्रेनिंग रहेगी 74 वीक्स की, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए ट्रेनिंग रहेगी 52 वीक्स की। तो जब आप एफकेट के थ्रू एयरफोर्स में भर्ती हो जाते हैं, तब आपके पास SBI का अकाउंट या फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स का अकाउंट होना ज़रूरी है, और उसके साथ आपके पास पैन कार्ड का भी होना ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। सैलरी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि फ्लाइंग ऑफिसर ब्रांच फ्लाइंग ऑफिसर रैंक से शुरू होगी। पेमेंट मैट्रिक्स रहेगी 56,100 से लेकर 1,77,500। लेवल 10 की पेमेंट आपको दी जाएगी, उसके साथ आपको अलाउंसेज वगैरह भी मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा मैं MSP 15,500 रुपये आपको हर मंथ दिया जाएगा। अलाउंसेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको जो अलाउंसेज मिलेंगे उसमें रहेगा फ्लाइंग अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस या हिल एरिया अलाउंस, स्पेशल फोर्स अलाउंस, सियाचिन अलाउंस, आइसलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, टेस्ट पायलट अलाउंस, फाइटर टेस्ट इंजीनियर एरिया एंड रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ये सब अलाउंस आपको मिलेंगे। प्रिविलेज की बात करते हैं तो एयरफोर्स ऑफिसर्स को कुछ प्रिविलेज मिलेंगे, जिसमें फ्री एकोमोडेशन होगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाएगी, आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों को भी मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा कैंटीन, ऑफिसर मेस, कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दिया जाएगा। LTC लीव 60 दिन की लीव मिलेगी, जो कि एनुअल होगी, 20 दिन की लीव मिलेगी जो कि कैजुअल होगी। तो ये सभी प्रिविलेज आप चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, जो कि सभी सर्विंग ऑफिसर पर कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स और एडवेंचर में इंटरेस्टेड है, तो आप स्काई डाइविंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग और वाटर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जो एक्टिविटी एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जो आप यहाँ पैराग्राफ नंबर 13 और 14 पर चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी मैक्सिमम एज जो है 25 साल रहेगी, और आप अनमैरिड होना जरूरी है। मैरिड कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके अलावा विडो और डाइवोर्सी भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा फिजिकल भी लिया जाएगा, जो कि SSB इंटरव्यू के थ्रू लिया जाएगा, जो कि GD यानी ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें फिजिकल कंडीशन चेक की जाएगी, जो कि 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, जो कि 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा 10 पुशअप और 3 चिनअप भी रहेगी। इसके अलावा आप SSB में आपसे रनिंग, स्विमिंग, रोप क्लाइंबिंग और बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग ली जाएगी, और आपका स्टेमिना, आपका टेस्ट, आपकी इंडोरेंस चेक की जाएगी। अगर आप किसी भी तरह की क्वारी करना चाहते हो, किसी भी तरह का आपको डाउट आप पूछना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर मेल ID यहाँ पर बताई गई है, जिस पे आप मेल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आप किसी भी क्वारी की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई AFCAT वैकेंसीज के बारे में, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जून से शुरू हो जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल GK EduCard जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।